बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको दिखाते रहे हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तकर्री भी थी, काउंसलर की बात भी थी और बल्दियात के निज़ाम की बहाली भी थी। अब चूंकि इसको कुछ टाइम गुजर चुका है, तो आज़ाद कश्मीर में आज हम मौजूद हैं LA2 में, और LA2 में आप जानते हैं कि चौधरी कासिम मजीद जो हैं वो इस वक्त सीनियर मिनिस्टर जो हैं मुंतहिब हुए हैं, उन्हीं की जो यूनियन काउंसिल पन्याम है उसके चेयरमैन, जिन्होंने एज ए मुअल्लिम अपने करियर का आगाज़ किया, प्रिंसिपल भी रहे और प्रिंसिपल की खिदमात के बाद उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो सीनियर रहनुमा भी बने, और इस वक्त वो पन्याम UC के चेयरमैन भी हैं। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद बशीर परवाज साहब हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने जितने प्रोमिसज किए थे, PDM का चूँकि यहाँ भी आगाज़ हो चुका है, कितने वादे मतालबे जो हैं उन्होंने पूरे किए हैं, बल्दियात को कितना मौका मिला है अपना रंग दिखाने का लोगों को। ऑब्वियसली ग्रास रूट लेवल तक जब इख्तियारात आए हैं तो इसका प्रॉपर इस्तेमाल हुआ है या नहीं, आइए चौधरी मोहम्मद बशीर परवाज साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुकद्दस मलिक साहिबा जी। मैं सबसे पहले तो आपका और GMTV का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए इंटरव्यू का एहतमाम किया जी जी। और बड़े एहतमाम से आप इतने दूर से आए, तो मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया जी। वेलकम। जो आपने सवाल किया कि जो प्रॉमिसेस थे गवर्नमेंट के, वादे ही होते हैं जी जी। वो लाजमी नहीं कि पूरे भी हों, और यहाँ ये मसला है कि इख्तियारात को कोई भी अपने यानी डाइल्यूट नहीं करना चाहता। इससे पहले जितने भी तरक्याती, ये 32 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम को बहाल किया गया बिल्कुल, और इस अरसे में तमाम जितने भी मुंतखब हुकूमतें आ रही हैं वो तमाम फंड्स और तरक्याती मनसूबे जो भी MLA या मिनिस्टर होता था वही उसको पाया तकमील तक पहुँचाता था। और अब चूँकि जब ये डाइल्यूशन ऑफ पावर हुई है, तो ज़ाहिर इख्तियारात निचली सतह पर आने चाहिए थे जी जी। वो कोई भी देने को अभी तक तैयार नहीं हुआ, बल्कि इस बजट में उन्होंने बल्दियात के लिए कोई फंड रखा ही नहीं। सिर्फ तो, जो सर जब बात मैं यहाँ से करूँगी, आगाज़ करूँगी ऑब्वियसली कि जब फंड नहीं रखा गया, बल्दियात का आगाज़ भी हुआ, ये इसके पीछे ये लॉजिक क्या है? वही इख्तियारात का ना देना और फिर आगे तकसीम ना होने देना। ये वैसे भी निज़ाम जो, चूँकि जो भी सियासी लोग होते हैं उनका अपना एक होल्ड होता है, ये निज़ाम इस वजह से यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ कि जो तनवीर इलियास साहब थे वो और सेक्टर, वो सियासतदान नहीं थे, कॉरपोरेट सेक्टर से आए थे, कारोबारी आदमी थे जी जी। तो उन्होंने इस इमरान खान के इस विजन को कि आप आगे पहुंचाने में बड़ी यानी दिलेरी करके इंतजामिया ने, सियासी जमातों ने बहुत मुखालफत की। ऐसे ही है, कहा गया कि सिक्योरिटी ने ये नहीं हो गया, लड़ाई होगी, डिस्प्यूट मैचेस होंगे, लेकिन फिर भी वो बंदा, फिर भी उन्होंने कहा जी कि अगर सिक्योरिटी क्या हमारे पास बंदे हैं तो हम उनको 3 डिवीजन है हमारे, एक एक डिवीजन काम करा लेते हैं, और ये तकरीबन 1 माह से ज्यादा अरसा लगा इसको कम्पलीशन में, बिल्कुल सही, लेकिन उसने करा दिया। इसके बाद यानी आज दिन तक सिर्फ हमारा एक अल्फ हुआ है जो महकमा बल्दियात ने कराया, इसके बाद आज दिन तक किसी को कोई, उन्होंने कोई होता ना कि आपके इख्तियारात क्या हैं, आपने क्या से काम करना है, कोई वर्कशॉप, कोई फंड्स एलोकेट, बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ वो जो म्यूनसिपल कमेटी या बल्दिया हैं उनके पास चूँकि अपने फंड्स जनरेशन होते हैं, वो इससे पहले भी वो अपने काम जितने अपने फंड्स थे वो करते रहते हैं, वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो यूनियन काउंसिल्स हैं जिसकी तरह मैं हूँ जिसमें चेयरमैन, उनके लिए चूंकि उनके अपने फंड्स तो होते नहीं ना, वो जनरेट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जो फंड्स देती है उसी से तरक्याती काम कराते हैं। सही। तो अच्छा सर, एक बड़ा इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज हुई और कासिम मजीद साहब को जो है मिनिस्टर बनाया गया है, और इस वक्त वो मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने मिनिस्टर बनने के बाद अपने ही पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को, जिस तरह माशाल्लाह से अपने आम के चेयरमैन हैं, कितना नवाजा, कितने आपके मसाइल को सुनाए? नहीं, इससे पहले जो सबका बजट था उस वक्त चूँकि ये तरक्याती हमारा अमल नहीं हुआ था, तो वो पेंडिंग कुछ मंसूबे थे और हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त तक फंड रिलीज नहीं किए थे। ये लास्ट यानी 30 जून से कुछ पहले
उन्होंने जो फंड रिलीज़ किए वो मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, वो मेरी यूनियन काउंसिल में भी हैं, बाकी यूनियन काउंसिल में, बल्कि पूरे इस हल्का LA2 में है, वो काम हो रहे हैं। लेकिन वो जो खालसतन यानी जो मंसूबा मैं दूं, जो बल्दियात का हक था, हक था, वो कोई यानी मंसूबा फंड ही कोई नहीं, मंसूबे तो हमने बना के रखे हुए। उन्होंने कहा भी है कि आप अपने अपने, फिर मैंने जो मेरे काउंसलर थे उनसे कहा कि आप अपने अपने मंसूबे दें ताकि हम आगे उसे पहुँचा सकें, वो लिख के हमने रखे हुए हैं, वो कासिम साहब जब कहेंगे तो वो हम उनको फ्लोट कर देंगे। लेकिन अभी तक फंड्स का मसला है। उस सिलसिले में हमारे एक चेयरमैन हैं जो मुजफ्फराबाद से और एक मीरपुर के, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट भी की है कि हमने इलेक्शन लड़ा है, ये डिल्यूशन पावर हुई है, लेकिन हमारे लिए इन्होंने ना कोई फंड्स रखे हैं ना कुछ और, तो बराए मेहरबानी हुकूमत को इस सिलसिले में कहा जाए कि बल्दियाती अदारों को फाल करें, उनको फंड्स वगैरह मुहैया करें। बिल्कुल सही। जिस तरह से चौधरी साहब ये बल्दियात का आगाज़ भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं समझती हूँ कि अख्तियारात को प्रॉपर तरीके से निचली सतह तक आना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या जो इस वक्त हुकूमत में वजीर हैं वो नहीं चाहते कि इक्तदार जो है निचली सतह तक जो पहुँचा दिया गया उसको ना एग्जीक्यूट ना किया जाए, इसमें आपको क्या लगता है? बात कुछ बातें करने की नहीं होती, लेकिन जो भी जमात हो, जिस तरह के भी हुकूमत आए, किसी का भी दिल नहीं चाहता कि इख्तियारात को अपने से दूर करके दूसरे लोगों को दें। उसकी वजह यह है, मैं समझता हूँ जितने भी हमारे MLA तो बिल्कुल हो चुके, मेरे अजीज़ भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं और लोगों से बड़े मोहब्बत करते हैं जी जी। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि हर जो भी काम हो मेरी वसात से हो। इससे पहले जो भी आपका छोटा काम हो, गली का हो, कोई नाली का हो, कोई नलके का हो, आपको MLA के पास जाना पड़ता था और उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि मेरे किसी बेटे को भर्ती करा दें, मेरी नाली बना दें, मेरी गली बना दें। अब उनको वो ज़रूरत नहीं, वो मुझे कहेंगे या मेरे काउंसलर को कहेंगे कि हमने आपको वोट दिए, आप बना के दें, हम अपने फंड से बनाएं, खुद करें, या फिर अपने MLA को कहें। लेकिन MLA भी दरमियान में से निकल गया, वो लोग जो उनके पास जाते थे वो अब डायरेक्ट आपको कहते हैं, तो वो ये बात भी किसी सियासदान को पसंद है, को पसंद है। बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। अच्छा सर, जिस तरह से हर वार्ड से काउंसलर मुंतखब हुए, हर काउंसलर ने अपने अपने मसाइल की बात की है, ओबियसली आप वार्ड नंबर 4 से काउंसलर मुंतखब होने के बाद चेयरमैन इलेक्ट हुए और पनियाम के भी काफ़ी मसाइल हैं, UC के पूरी के मसाइल हैं, किस हद तक आपने लोगों को यकीन दहानी कराई है कि अगले जितना भी टेन्योर है 3-4 साल का उसमें आप ये मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे? जो भी इलेक्शन लड़ता है, जब आप लोगों के पास जाते हैं, हर आदमी के कुछ इंडिविजुअल मसाइल होते हैं, कुछ हल्के के इज्तमाही मसाइल होते हैं। जी जी। मेरे साथ अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं काउंसलर भी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ, यानी जब मेरा नाम आया तो बहुत जो मेरे मुखालिफ 3-4 उम्मीदवार थे, उन्होंने खुद ही फैसला किया कि ये हमारे सर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, बड़े हैं, तो उन्होंने खुद फैसला किया और कुछ मेरे दोस्तों ने भी उनसे कहा, तो वो मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। इसी तरह चेयरमैन भी ऐसा हुआ, इसलिए डायरेक्ट मैंने तो नहीं, लेकिन मुझे चूँकि हम ये छोटी छोटी वार्ड्स हैं तो उसके मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, आप आए हैं, ये एक सर्कुलर रोड है हमारी, यानी जो मेरा ये वार्ड है इसमें ज़ीरो काम है, पानी का कोई मसला नहीं, बिजली और ट्रांसफार्मर का कोई मसला नहीं, गलियों का कोई मसला नहीं, इसलिए इसमें तो कोई नहीं। लेकिन कुछ लोगों के अब जो मसाइल रह गए हैं वो इंडिविजुअल हैं, मसलन मैंने मकान बाहर जाकर बनाया, मैंने मकान के 1-2 करोड़ रुपए लगा लिए, लेकिन वो गली नहीं मैं बना रहा जो जिससे मेरी गुजर नहीं है, वो मैं तलाश कर रहा हूँ कि मैं अपने चेयरमैन को कहूँ, MLA को कहूँ कि वो बना के दे, हालांकि उसमें कितने 10-5 लाख लग जाएगा या शायद इससे भी कम, वो 1.5-2 करोड़ उसने लगा लिया है मकान बनाने, लेकिन गली के लिए वो तलाश कर रहा है कि मैं किसी सारे पे पुरसाने हाल पुरसाने हाल है। अब ऐसे ही कुछ काम है, लेकिन मैंने जब मैं बना था तो मैंने ये तैयार किया था कि मैं किसी का पर्सनल मसला हल नहीं करूँगा, पानी का लग है, लेकिन कोई ऐसी रोड जिसपे 5-10 लाख रुपया खर्च हो जाए लेकिन उसका मुस्तफीद होने वाला एक बंदा, वो नहीं करेंगे, इज्तमाही काम करेंगे, जो इसी तरह किसी एक बंदे को फ़ायदा हो और बाकी किसी को भी ना हो, ऐसे काम में ऐसे मंसूबे को नहीं करेंगे। लेकिन कोई बड़े कम इधर मसाइल हैं,
एक दो यानी सड़कें भी जो मेरी जहाँ तक वार्ड है यहाँ तक सड़क बहुत आप आई है मुकम्मल है, इससे आगे दाइक शुरू हो जाता है। ये वापडा की जिम्मेदारी है, ये कासिम साहब से कहा, उन्होंने कहा जी कि ये वापडा बनाएगी ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, ये हमें यानी हाईवे में नहीं आता, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बन जाए। बाकी कहीं भी कोई मसला नहीं है, ना बिजली का, पानी हर जगह मौजूद है। अब ग्रेटर वाटर सप्लाई भी तकरीबन शुरू हो गई है, पाइप वगैरह बिछ गए हैं, शायद चंद दिन तक वो भी आ जाए, इसलिए कोई उस तरह का बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल सही सर, जिस तरह से अख्तियारात निचली सतह तक आए और मैं समझती हूँ कि उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ना हो सके। सरदार तनवीर अलियास अगर आपके प्राइम मिनिस्टर होते जिन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके इलेक्शन करवाए हैं, क्या लगता है आपको जो उन्होंने मतलब वादा किया था अपनी आवाम के साथ, अपने बशिंदों के साथ, किस हद तक सेटिस्फेक्शन थी कि पूरा होगा? नहीं, वो फिर हमें यकीन था कि वो अपने, चूँकि उसने जिस मुश्किल हालात में इलेक्शन कराए, चूँकि कोई सियासी जमात भी इस पर रजामंद नहीं थी, इंतज़ामिया उसकी अपनी हुकूमत नहीं रजामंद, लेकिन इसके बावजूद उसने डिटर्मिनेशन दिखाई और ये इलेक्शन कराए, और वो रहता तो फिर ये फंड या जितने भी मसाइल थे या इख्तियारात थे वो लाजमन निचली सतह का मुंतकिल होते। अब चूँकि अब पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, कोई हुकूमत ही अजीब किस्म की है कि वो कोई एक वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, बाकी बहुत से मिनिस्टर बना दिए हैं, लेकिन पोर्टफोलियो किसी के पास नहीं है। ये इस वाक्य को भी 3 माह से ज़्यादा अरसा जी, 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 40 अरब का तो अनाउंस जो है इमरान खान साहब ने किया था, बाकी भी जो है वो इसके अलावा है जी, जी। तो अब तो अगर ये काम करना चाहें तो ये मैं समझता हूँ कि कोई काम हमारा, चूँकि 40 लाख की तो आबादी हमारी, 40 या 45 या जो भी है कह लें, तो वो समझ लें कि अगर इतने पैसे हों तो फी फर्द को भी दिए जाएं तो कोई मसला ना रहे। दुआ करते हैं कि जो नए हुक्मरान आए ये उसको अच्छे तरीके से और दयानदारी के साथ उसको लगाएं। ये मैं वैसे भी जहाँ, चूँकि हमारे पहले ज़िला एक ही था, मेरे तल्लुक जानने वाले भी हैं जो नए वज़ीर आज़म हैं, वो दयानदार आदमी, इसमें कोई शक नहीं। सही। तो उम्मीद है कि वो खुद, जब ऊपर आप एक ज़िम्मेदार और दयानदार आदमी बैठे हो तो नीचे वाले लोगों पे भी वो नज़र रखता है, ना वो खुद करप्शन करता है ना करने देता है, और यही उनकी शोहरत भी है, और अल्लाह करे कि वो अपने इस शोहरत को कायम और दायम रखें, और ये तरक्याती काम अगर हो जाए तो हमारे काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही चेयरमैन साहब, एज ए चेयरमैन आपने यूनियन काउंसिल पन्याम में कितनी दफ़ा विजिट किया, और जिस तरह से आप जानते हैं कि किसी की भी डेथ हो तब भी इंदराज होता है, किसी की न्यू बर्न बेबी हो तब भी इंदराज होता है, मैरिजेस का कोई हो तब भी, खुदा नास्ता अगर डाइवोर्स होती है तो उसका भी, एक कितनी हद तक सेक्रेटरी जो हैं वो अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ? एक तो यह है कि सेक्रेटरीज, मैंने बताया ना कि 32 साल, मुझे सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि सर मेरे लिए क्या हुक्म है जी, जी। मैंने कहा जिस तरह आप काम कर रहे थे उसी तरह करते रहे, अभी तक वो पावर्स हमारे पास नहीं आई, आप अपने दस्तखतों से, यानी अभी तक हमें नहीं, उन्होंने कहा कि अब जो सर्टिफिकेट जारी होगा या कोई है वो सेक्रेटरी साहब, और बड़े समझदार लोग हैं वो, अब बर वक्त तमाम काम करते हैं, जो डेथ को बर्थ सर्टिफिकेट हो या जिस तरह डाइवोर्स का है, जो निकाह नामे का, वो यहाँ हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, सिर्फ यहाँ ही है कि तमाम जितनी वार्ड्स हैं या 2-3 वार्ड्स में एक मौलवी साहब हैं जो निकाह रजिस्ट्रार हैं, वो निकाह पढ़ाते हैं, और उसके 4 परत हैं, एक परत दुल्हन के लिए, एक दूल्हा के लिए, एक मौलवी साहब उस रजिस्टर में, और एक मीरपुर तहसील में जमा होता है। सही। तो वो उसका, और जब कहीं आपने यानी यूनियन काउंसिल में यहाँ इंदराज नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल में कराया जाता है। अलबत्ता जब डाइवोर्स हो तो वो अंदराज यहाँ मस्ट होता है। सर आपने अपने करियर का आगाज़ एज ए मुअल्लिम किया, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट होने में उनकी रहनमाई की, आपने एक इब्तदाई तलीम में लोगों की मदद की, आप हेड मास्टर भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, सियासत में एजुकेशन में मोस्ट डिफरेंसेस हैं जी, कैसा आपको लगा पॉलिटिशियन बनकर, और कैसा लगा आपको एज ए मौलम अपना करियर का आगाज़ करके? पॉलिटिशियन तो बस मैं इतफाक़ से, यानी ये भी कासिम मजीद साहब भी कि यानी उन्होंने ज़बरदस्ती या ज़ोर लगा के मुझे इस तरफ लाए, मैं यानी इंटरेस्टेड नहीं था, तो उन्होंने कहा जी के अंकल कहते हैं कि आपने इलेक्शन लड़ना है और आपको हम चेयर, यानी ये पहले इलेक्शन से पहले की बात है,
तो पहले तो मैंने कहा देखेंगे सोचेंगे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने स्पेशल पकड़ लिया और कहा जी कि आप ही इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि कायल कर लिया उन्होंने कि अब, और फिर मैं उस तरफ आ गया। ज़ाहिर है सियासत एक और तरह का फील्ड है और जो एजुकेशन थी वो एक डिफरेंट तरह का फील्ड था। और मैं उस वक्त जब मैं आया 81 में एज ए साइंस टीचर, मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट था तो उस वक्त साइंस टीचर मिलता ही नहीं। सही। हाँ, यानी जब मैं आया तो वैसे दो साइंस टीचर होते हैं, एक साइंस टीचर होता है, एक बायोलॉजी टीचर होता है। जी जी। तो जब मैं आया तो चूँकि मेरा मेडिकल में दाखिला ना हो सका तो फिर मैंने FSC डबल की, यानी मैथ के साथ भी की। तो फिर मैं ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाता रहा बहुत अरसा। अब तो दो दो टीचर होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि हमने अच्छा पढ़ाया और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर इसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो गर्ल्स स्कूल में साइंस का रवाज ही नहीं था, तो मैं दो साल तो मेरी बेटी 9वीं 10वीं पढ़ती रही और इसके बाद भी 2 साल 4 साल मैं वहाँ भी पढ़ाता रहा। सही, माशाल्लाह, फुल टाइम। अच्छा सर, अगर हम बात करें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि मसाइल पर भी हमने बात की, इक्तदार पर भी बात की, निचली सतह तक ना ट्रांसफ़र होने पर भी बात की, अब एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो मैं समझती हूँ कि पंचायत जो कभी एक नंबरदारी निज़ाम था, एक ऐसा सिस्टम था कि अपने मामलात को इलाकों में ही सॉर्ट आउट किया जाता था, अब आपको क्या लगता है एज ए चेयरमैन, आपने जैसे वैसे एज ए मौलम भी आपके आपको लोग जानते थे, लेकिन जब से चेयरमैन बने आपने कितने डिस्प्यूट मैटर्स को आपने अपनी ही मदद के साथ सॉल्व करने की कोशिश की? तो यह कि अगर ये निज़ाम पूरी तरह इसे इम्प्लीमेंट होने दिया जाता, मेरे पास है उसका ब्लूप्रिंट सारा, उसमें हमारे पास मिसालती किरदार था। एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल चेयरमैन के पास है, बिल्कुल सही, कि कोई भी जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं बड़े डिस्प्यूट के अलावा वो थाने में जाने से पहले आप उसमें मिसालती, यानी चेयरमैन जो था उसका मिसालती किरदार था कि वो उनमें मिसालत कराए, अगर कोई मामला ऐसा हो कि वो उनकी बसात से बाहर हो या कुछ कानूनी ऐसे मसाइल हों कि वो थाने में जाए तो। लेकिन ये चूँकि वो अभी आप अपने तौर पर तो करते हैं, पहले भी कर रहे थे कि जब कहीं कोई मसला हुआ तो बिठाया, उनको समझाया, बात करें, लेकिन ये हमारे पास एक कानूनी जवाज़ था कि अब मसालती किरदार था, अगर हम मना करें कि ये आदमी गलत है इसका पर्चा ना दें तो फिर वो थाना भी उस पर मजबूर हो जाता कि ना। लेकिन अब चूँकि हमारे पास कोई उस तरह का कानूनी इख्तियारात है नहीं है ना कि हम उसे करें, लेकिन वो जो अगर हम पढ़ें उसके कानून वगैरह जो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन के इख्तियारात मसाइल हैं उसमें मिसालती किरदार का पूरा एक चैप्टर मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें मिसाल जी साहब की और जो भी उनके या मुखालफ पहले जो थे कैप्टन सरफराज साहब थे, जितनी देर रहे वही इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन दोनों में एक खूबियाँ थी कि वो थाना कचहरी अपने लोगों को भेजने के कायल नहीं थे, कि वरना होता है ना कुछ सियासदान जिनका कारोबार होता है कि थाना कचहरी में लोगों को फंसाए रखे, लेकिन इन दोनों में वो सियासी मुखालफत तो थी लेकिन वो थाने कचहरी में अपने लोगों को नहीं जाने देते थे, खुद ही बैठकर वो मामला था। हाँ, कुछ ऐसी लड़ाई हो गई है, किसी को जख्मी हो गया तो वो तो एक कानूनी मजबूरी है कि वो लाजमी जाएगा, लेकिन आम छोटे जो घरेलू मसाइल थे, कुछ ज़मीन के थोड़े बहुत भाइयों के दरमियान मसले थे या कुछ ऐसे जो मसालत से हल हो सकते थे, वो पहले भी हमारे यहाँ कोई, यानी क्राइम रेट भी बड़ा कम था और कोई इस तरह के झगड़ों के जो रेशो थी ये तो ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन उनकी रेशो बहुत कम थी। हाँ, तो ये सुनते आए थे कि हमारा कोई माहदा है हुकूमत पाकिस्तान या वाबडा के साथ कि खासकर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो मुतासर है इनको फ्री बिजली मुहैया की जाएगी, लेकिन जब मलिक मजीद साहब हमारे चीफ जस्टिस थे, वो भी चूँकि मीरपुर या डुडियाल वैसे घर था लेकिन मीरपुर ही रहते थे, डैम के मुतासर थे, तो उन्होंने उस पर बड़ा काम किया लेकिन वो मुआयदा कहीं मिला नहीं, या तो हुआ नहीं जबानी बात थी, जबानी बात या अगर हुआ तो फिर वो कहीं गायब हो गया, इसलिए वो मुआयदा मौजूद नहीं। लेकिन एक और जो हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान की कमिटमेंट थी, वो बिजली का जो यूनिट था वो हमें 2 रुपये 65 पैसे फी यूनिट मुहैया किया जाता था, दरमियान में उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन किसी भी सियासी वज़ीर आज़म ने उनके साथ ये मुआयदा नहीं किया, लेकिन तनवीर लिहाज से ये गलती हो गई कि अब वो जो मुआयदा वो 21 रुपये पर यूनिट का है, इसलिए ये बिजली महंगी होकर 35 और
50 या 55 रुपए की हो गई। तो अब जब टैक्स अजाफी है उसके ऊपर लगे, ये भी ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मेरे ख्याल में मामला ही नहीं है। ये चूँकि हुकूमत पाकिस्तान और IMF का एक मुआहदा है जिसमें ये बाउंड है कि वो मुआहदा तो इन्होंने दिखाया नहीं किसी, लेकिन एक है कि ये इतने इतने टैक्स बढ़ाएंगे तो ये तो बढ़ाएंगे, बल्कि अगले माह सुना है कि 5-6 रुपए और बढ़ेंगे और 30 रुपए पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं फर्स्ट से। चले हैं अल्लाह पाक हमें हमारे मुल्क और हम सब पे रहम करे। आखिर में सर, आप अपनी यूनियन काउंसिल के लोगों को, जिन लोगों ने आपको बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब करवाया, जिन लोगों ने आपको इतनी इज्जत से नवाजा, आप माशाल्लाह एज ए टीचर उनमें रहे और आपने बड़ी खिदमत पेश की इस इलाके के लिए, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? एक तो यानी पहली दफ़ा, वैसे तो मैंने इनफरादी तौर पर सबका पहले भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन आपके तवसत से मैं उन तमाम लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला पहले तो काउंसलर मुंतखब किया और फिर इसके अलावा जिन दोस्तों ने यानी जो काउंसलर मुंतखब हुए थे उन्होंने मुझे चेयरमैन मुंतखब किया। चेयरमैन मुंतखब करने में कासिम मजीद साहब का बड़ा रोल है, ये उन्हीं की तगोदो थी कि उन्होंने सब लोगों को कायल किया। चूँकि जब कोई मेंबर या काउंसलर बन जाता है तो हर एक की ख्वाहिश होती है चेयरमैन बनूं, बिल्कुल सही। तो फिर यानी कासिम साहब ने इसको हैंडल किया और होल्ड किया और मुझे ही चेयरमैन बनाने में उन्होंने कलीदी रोल अदा किया, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। वैसे भी वो बड़े दिल, चूँकि नौजवान आदमी है, चूँकि मैं उनके साथ रहता हूँ, वो हर वक्त कोई ना कोई तामीरी काम का कहते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि फलां शोबे में तालीम में बिलखसूस दिलचस्पी ले रहे हैं और वो उनकी ख्वाहिश है कि तालीम और टेक्निकल तालीम बिलखसूस जो है उसको प्रमोट करें, तो वो उस पर बहुत काम कर रहे हैं। तरक्याती काम शायद अगर मेरे ये जो यूनियन काउंसिल है, मैं यहाँ रहता हूँ, आप जैसे पहले आपने पूछा विज़िट भी करता रहता हूँ, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा कासिम मजीद साहब को लोगों के मसाइल का पता है कि किस यानी इनफरादी तौर पर भी कि किस बंदे का पानी का मसला है, किसकी गली का मसला है या किसके और का मसला है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुझे यकीन है कि हमारे मसाइल हल होंगे और तमाम लोगों को भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये मसाइल जो हैं ये हल हो जाएंगे, इख्तियारात भी बहाल हो जाएंगे और तरक्याती फंड्स भी मिलेंगे और लोगों के मसाइल भी हल होंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद बशीर परवाज साहब की गुफ्तगू। एज ए मौलम उन्होंने करियर का आगाज़ किया, बिला मुकाबला काउंसलर बने, काउंसलर के बाद वो चेयरमैन बने और चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने अपने इलाके की खूबसूरती में अहम रोल अदा करने के लिए सोचा कि जितना भी हो सके इसमें एक स्पेसिफिक रोल अदा किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इस वक्त अभी तक फंड जो है वो निचली सतह तक उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, और जितना कि चेयरमैन के पास एक अथॉरिटी होती है यूनियन काउंसिल लेवल पे, उस तरह से उसको जो है बाकायदा तौर पर उसको उतनी पावर नहीं दी जा रही। इस पर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है अफसरान बाला से, ऑब्वियसली मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से, कि इस पर स्पेशली फोकस किया जाए, क्योंकि अगर आप बल्दियात के मामलात को फोकस करेंगे तो 90% आपके मसाइल आपके घरों में, आपके इलाकों में हल हो जाएंगे और आपको अपने मसाइल या मसलों के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये हमारी एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, इस पर उम्मीद है हमें कि इस पर ज़रूर जो है वो तवज्जो की जाएगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।